कर्नाटक चुनाव पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सर प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर वहाँ पर बनेगी तो विकास बेहतर होगा और उन्होंने और भी कई अन्य बातें कही, बाते कही। प्रधानमंत्री जी सर मेरी एक बात का जवाब देते हैं येद्यूरपा जी उनके मुख्यमंत्री थे भ्रष्टाचार के आरोप में खुद भाजपा ने उनको निकाल दिया था चुनाव जीतने के लिए गए हैं ससम्मान उनको वापस लाए तो भ्रष्टाचार का तो कोई मुद्दे नहीं उनका अगर मुद्दा होता तो मिस्टर चालीस परसेंट मुख्यमंत्री को जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री पद पे बने नहीं रहने देते तो कम से कम प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से ही सब नहीं देता पूरा पार्लियामेंट आपने इसलिए नहीं चलने दिया कि एक जेपीसी नहीं गठित होने दी जिससे अडानी के जो साम्राज्य बना है आपकी छत छाया में आपकी सरकार की छत छाया में आप आज तक ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि बीस हजार करोड़ रुपए किसका लगा है अडानी की कंपनियों में और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं आपके सबसे बड़े नेता कर्नाटक के आप ही ने निकाला था भ्रष्टाचार के आरोप पे और आज का मुख्यमंत्री चूँकि मालूम है जहाज डूब रहा है आप नाराजगी नहीं मोल ले सकते तो भ्रष्टाचार के ड्राइवर के साथ चलती हुई गाड़ी में खुद आप बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी जो है सत्ता हथियाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है और हम लोग तो गरीबों के लिए जो अंतिम पायदान में लोग हैं उनके लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री जी बोलने के पहले अपने आंकड़े देख लिया कीजिए और किसी अधिकारी को लगा दिया कीजिए कम से कम आपका मजाक नोड़वाए आज आपके राज्य में छः साल सात साल में गरीबी के रेखा के नीचे संख्या कई करोड़ बढ़ गई और यह पूंजी दो घराने और कुल कहें तो पंद्रह घरानों में सिमट के रह गई तो आपकी सरकार नौ साल की समर्पित है गरीब की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की तिजोरी में भरने के लिए यह मैं नहीं कह रहा हूं जो कह रहा हूं वो आपकी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं किसकी वृद्धि हुई समृद्ध हुई किसे नियम कानून शिथिल करके देश और विदेश में ठेके दिलाए गए वो कहानी तो साफ है आपकी पहली सरकार होगी अटल जी की आत्मा रो रही होगी जो ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे ये कैसा भाजपा का आचरण है कि एक आदमी को बचाने के लिए मेरी सालों की कमाई जो भाजपा की थी वो नष्ट कर दी क्योंकि अडानी के बगैर जी नहीं सकती है। कर्नाटक को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है आप लोग भी अलग अलग हिस्सों में चाहे राहुल गांधी की बात हो प्रियंका गांधी वाड्रा सभी लोग पहुंच रहे हैं मैं समझता हूं कि बहुत ही संगठित ढंग से बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये चुनाव लड़ाया जा रहा है अब ये नहीं हो रहा है कि सब जाएँ तो राहुल जी के साथ जाएँ सब जाएँ तो प्रियंका जी के साथ जाएँ एक तरफ प्रियंका जी ने अलग मोर्चा संभाला है एक तरफ राहुल गांधी जी ने अलग मोर्चा संभाला है हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे विधानमंडल दल के नेता हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सब अलग अलग एरिया बांट कर वहाँ पर काम कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है अरे जो भाजपा अपने पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को न रोक पाई हो वो आकर छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हों तो इशारा साफ है हवा किधर है आंधी किधर है बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कितने भी मास्टर प्लान कर्नाटक के लिए बना ले जीत उसकी होगी अमित शाह भी जोर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं देखिए अमित शाह जी का काम तो चुनाव के बाद शुरू होगा चुनाव के पहले तो कुछ कर नहीं सकते वो मोदी जी को भी मालूम है उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कर्नाटक उनके हाथ से जा रहा है आप उनके भाषण देख लीजिए शब्दावली देख लीजिए लेकिन जनता भी जानती है कि जो गोवा में हुआ जो त्रिपुरा में हुआ जो मणिपुर में हुआ या जो और प्रदेशों में हुआ मध्य प्रदेश में बगल में हुआ तो जनता आपकी इतना प्रबल बहुमत कांग्रेस को दे देगी कि हम दो हमारे दो दोनों झूल जाएंगे लेकिन कर्नाटक की सरकार हिला नहीं पाएंगे इस बार भी क्या आपको आशंका लग रही है कि कर्नाटक में किसी तरीके से सेन लगाने की कोशिश बीजेपी मैं कहता हूँ जनता ने मन बना लिया है और उसने दो तिहाई से ज्यादा बहुमत दे कांग्रेस को सत्ता में ला दिया ये क्या है कर्नाटक की सरकार चोरी से बनाई गई दल बदल से बनाई गई पैसे से खरीद स्वरूप से बनाई गई वही तो सरकार है अपने एजेंसियों के दुरुपयोग से इसलिए जनता ये मौका ही नहीं छोड़ेगी मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी आप भी थे अमित शाह जी भी थे पिछले जब चुनाव गुजर हुए थे कर्नाटक में तो बहुमत तो नहीं आया था ना आप तो रुक गए थे बहुमत से दूर और बाद में तो जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बनाई बिल्कुल तो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जाकर के कर्नाटक में इस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस का ये दावा है कि भारी बहुमत से कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की जीत होगी दिल्ली से कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह आज तक